लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। भटनी थाना क्षेत्र के नूरीगंज में दो पक्षों में हुआ मारपीट, महिला हुई गंभीर रूप से घायल। घायल महिला का आरोप छेड़खानी कर रहे लोगों का विरोध करने पर विपक्षियों ने मारा और 84,000 रुपए छीन लिए। रमन तिवारी की खास रिपोर्ट, R9 भारत। नमस्कार, प्रणाम, मैं R9 से रमन तिवारी आज स्वास्थ्य विभाग भटनी में पहुँचा हूँ। आइए महिला से रूबरू कराता हूँ। जी आपका नाम? जी सलमा खातून जी, आपके साथ क्या हुआ? लड़के बैंक में से, बंधन बैंक में से पैसा निकाल के लेके जा रहे थे। मंदिर के पास हमारा लड़का पैसा दिया, कहा मम्मी घर लेके चलो, हम अप्लीकेशन लिखवा कर आतिश अंसारी के यहाँ से आ रहे हैं। तो हमारा पति थाने में बंद था, तो हमारा चलने का हिम्मत नहीं था सर, तो हम वही मंदिर के पास बैठ गए। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ ना, वो सास बहू का झगड़ा था, ये छुड़ाने गए थे तो इनको फंसा दिए। वो सब हमसे कोई झगड़ा नहीं था। जी जिससे झगड़ा हुआ वो कहाँ रहने वाले हैं? ठीक है, सलेमपुर के परान छपरा के मुनी रावत। क्या मामला था? उनके बेटी और सास बहू का मामला था। उन लोग हम लोग से कोई झगड़ा नहीं था सर, ये छुड़ाने गए इनको फंसा दिए। इसके बाद कई बार विवाद हुआ है? हाँ कई बार हुआ है सर। उसके बाद ना हम वहीं पे बैठे थे कि हमारा लड़का आ रहा है, या तो हम थाने पे जाएंगे या तो हम घर जाएंगे। पैसे लेकर थाने पे एप्लीकेशन दी, उसके बाद क्या एसओ द्वारा सूचना मिला? कुछ नहीं मिला है सूचना। इसमें एसओ भटनी एसओ क्या कर रहे हैं? अभी कुछ नहीं किया है। तभी आशा क्या दिए हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा कि मैं छोड़ूंगा कि क्या बोले? देखिए शाम तक क्या कर रहे हैं, अभी वेट नहीं हुआ है। मंदिर पर हमको गाल पर मारा, थप्पड़ मारा, सीने पर मारा, पीठ पर मारा, तरह। पैसा रुपया भी छीना गया है क्या? कितने पैसा थे? 84,000 रुपया हमारा। कहाँ से निकाली थी? बंधन बैंक से। कितने तारीख को निकाली थी? कल 17 तारीख को। पाछीना छपटी में कौन कौन था? मुनीर था, उसकी बेटी थी और एक मोटी सी औरत थी, उसको हम नहीं पहचाना है सर। हमारा नाक कान छीन लिया और हमको मार कर भाग गए, बेहोश हो गए सर।